ग्रामसभा जद्दापुर में 3 बच्चों की मौत हो गई। मौत का कारण ग्रामीण तो बता रहे हैं खसरा है, लेकिन मेडिकल टीम कह रही है खसरा नहीं, ये किसी अन्य बीमारी के कारण ऐसा हुआ है। मेरे साथ एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इस गांव में हो रही मौतों और बीमारी के जो चल रही बीमारी है उसका कारण क्या है। इस गांव में फैली बीमारी मिट्टी गंदगी सबसे पहले जाए, दूसरी बात यहां पे जो बच्चे अभी हम लोगों ने देखे हैं उसमें ज्यादातर बच्चों को कॉमन फीवर है, और जो बच्चे जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उसमें उनका निमोनिया था, उनको खसरे की कोई दिक्कत होती है कि खसरे जैसी कोई बीमारी थी। अभी हम बात देख रहे हैं, अभी फिलहाल जितने बच्चों को देखा है, जितने लोगों को देखा है, उसमें सर दर्द बुखार फीवर वो ये कॉमन कंडीशन बता रहे हैं। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि इस ग्राम सभा में पिछले 1.5-2 महीने से इस तरह की बीमारी बड़ी भारी मात्रा में फैली हुई है, और उन्हें जो है ग्रामीणों ने सूचित भी किया स्वास्थ्य विभाग को, लेकिन ये हो नहीं पाया, यहाँ पे कैंप लग नहीं पाया, या क्या रीजन रहा? इससे पहले जद्दापुर में कैंप लगा था हमारा, वहाँ पे चार बच्चों की मौत हो गई थी निजी परिवार में। हम लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ पे देखा था, वो फूड पॉइजनिंग का केस था। वहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे बीमारी फैली है, वहाँ पे हमने पूरा गांव चेक किया, उसका विजिलेंस मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ। दूसरी चीज, अगर स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली होती तो स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे आता। इसमें डिपेंड ये करता है, अगर वो स्वास्थ्य विभाग को सूचना देना चाहते तो डायरेक्ट MOIC को फोन करते, और इसमें आशा और ANM इन्वॉल्व अगर है, कि अगर उनको सूचना मिली, उन्होंने सूचना नहीं दी, तो उन उस पर MOIC को बताया जाएगा कि अगर उनको सूचना मिली तो अपने हिसाब से। इस गांव के ग्राम ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनीष सिंह, जिन्होंने बताया कि इस गांव में खसरा बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसकी वजह नॉर्मल फीवर है और निमोनिया जैसी चीज़ें हैं। प्राइवेट इलाज कराने का भी एक रीज़न इन्होंने बताया, खासकर उन झोला छाप डॉक्टरों का वो बड़ा रीज़न निकल के आया कि झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाने की वजह से भी बच्चों की मौत होने का एक कारण बन सकता है। लेकिन कुल मिला के सवाल यही है कि जब इस गांव में इस तरह की बीमारी फैली तो उससे पहले स्वास्थ्य महकमा क्यों नहीं जाग सका? क्या यहाँ पर जो स्वास्थ्य महकमा का तंत्र है वो पूरी तरह से फेल होता नजर नहीं आ रहा? बलरामपुर के जद्दापुर ग्राम सभा से मैं योगेंद्र त्रिपाठी, ETV भारत के लिए।